नजरे यहाँ पर स्पाइक। सॉरी। इस काम के लिए ये बेहद जरूरी है कि हम अपना ध्यान बनाए रखें। स्पाइक, जादू के लिए अपना पूरा ध्यान इसी पे लगाना होगा और कोई तरीका नहीं है। मेरी गलती नहीं है, वो देखो। उस पर ध्यान मत दो, वो बस पिंकी पाई वाली हरकतें कर रही है। सुपर एक्स्ट्रा पिंकी पाई। ट्विची ट्विच, अटूची ट्विच। पिंकी पाई, तुम ये अजीब सी हरकतें क्यों कर रही हो? ओ, वो मेरी पूंछ वो हिल रही है और तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? एक्चुअली पिंकी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। इसका मतलब है कि मेरा पिंकी सेंस मुझे बता रहा है कि ऊपर से कुछ गिरने वाला है। तुम दोनों को कहीं छुप जाना चाहिए। ओह पिंकी, आज बारिश नहीं होने वाली, आसमान में तो एक भी बादल। उसका मतलब है अच्छा कैच था। दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी, शेयरिंग काइंडनेस है इजी और मैजिक से ही जिंदगी मेरी दोस्ती ये दोस्ती है पक्की। ओह, मैं माफी चाहती हूँ। तुम ठीक तो हो ना ट्वाइलाइट स्पार्कल? वो तालाब में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी तो मैं देख नहीं पाई। सारे मेंढक एक दूसरे से टकरा रहे थे तो मैंने सोचा सारे मेंढकों को फॉगी बॉटम तालाब छोड़ाऊं। हाँ, बहुत अच्छा किया। बाय बाय। ट्वाइलाइट, तुम्हारे चेहरे पर अभी भी कुछ लगा हुआ है। ओ, सच में? क्या ये भी तुम्हें तुम्हारे पिंकी सेंस ने बताया? नहीं, ये तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है। ला, 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 ला। चलो स्पाइक, किसी ऐसी जगह चलकर अपनी प्रैक्टिस करते हैं जहाँ कोई परेशान ना करे। वाओ, ये तो शानदार था। पिंकी पाई ने भविष्यवाणी की जो सच हो गई। ओह कम ऑन, उसने बस कुछ कहा था और उसी वक्त एक मेंढक आके मुझ पर गिर गया। ये बस एक इत्तेफाक था और कुछ नहीं। मेरी पूंछ फिर से हिल रही है। देखो, कुछ और भी गिरने वाला है। ओह पिंकी प्लीज, अब कुछ नहीं गिरने वाला। ओह नहीं, ट्वाइलाइट गिर गई, हमें उसकी मदद करनी होगी। अब सब ठीक है, मेरी पूंछ ने हिलना बंद कर दिया। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना? ओह प्लीज। ट्वाइलाइट, तुम इस गड्ढे में क्या कर रही हो? पिंकी पाई ने इसके भविष्यवाणी की थी। सच में स्पाइक, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही दिन में बस दो कॉन्सिडेंस हुए। चलो माना कि इस पर यकीन करना मुश्किल है, पर भविष्य बताने वाली पूंछ से तो ज्यादा यकीन कर सकते हैं। हिलती पूंछ, पिंकी सेंस। अब सब ठीक है, भविष्यवाणी पहले ही सच हो चुकी है। ओह रुको, क्या तुम भी इस बात पर यकीन करती हो? हम लोग जो पोनीविल में काफी समय से रह रहे हैं, वो जानते हैं कि अगर पिंकी पाई की पूंछ हिल रही है तो वो जो कहती है वो मानने में भलाई है। मेरे कान हिल रहे हैं। इसका क्या मतलब है? मैं नहाने के लिए बाथरूम तैयार करती हूँ। हाँ? नहाने के लिए? अब ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। दरअसल ये कुछ इस तरह काम करता है, मुझे कुछ अलग अलग जगह में अजीब सरसराहट सी महसूस होती है। जब मेरी पीठ खुजलाती है तो इसका मतलब वो मेरा लकी डे है, और जब मेरी घुटने कांपते हैं तो उसका मतलब कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। क्या तुम्हारे घुटने अभी भी कांप रहे हैं? नहीं, पर मेरे कंधों में दर्द हो रहा है, और इसका मतलब है कि टब में एक मगरमच्छ है। पर तुम्हारे घुटनों में दर्द क्यों नहीं हुआ? ये सिर्फ डरावना नहीं, बहुत खतरनाक भी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये मेरा पालतू मगरमच्छ है गामी, इसके अभी दांत भी नहीं आए हैं, दिखा। ठीक है, समझ गई। वेल, मुझे स्पेशल पावर वाली बात पर अब भी यकीन नहीं होता, ये बस मम्बो जम्बो ही तो है। इसमें यकीन ना करने वाली क्या बात है, तुम भी तो जादू करती हो ना, दोनों में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। पहली
सही बात, जादू ऐसी चीज है जिसे आप पढ़ते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये तभी होता है जब आप चाहते हैं, और उससे वही चीज होती है जो आप चाहते हैं। पर तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो समझ से बाहर है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है ट्वाइलाइट। कभी कभी मेरे शरीर में अलग अलग समय पर अलग अलग चीजें होती हैं जिनसे मुझे भविष्य के बारे में पता चलता है। मैं उन्हें कहती हूँ कॉम्बोज। कॉम्बोज? हाँ, जैसे कि कानों का हिलना, घुटनों का कांपना और पलकों का झपकना। इसका मतलब है आसमान में बहुत ही सुंदर रेनबो बनने वाला है। ओह अच्छा। मुझे कॉम्बो होता हुआ महसूस हो रहा है। कानों का हिलना, पलकों का झपकना, घुटनों का कांपना। तुमने कहा था इस कॉम्बो का मतलब है खूबसूरत रेनबो। नहीं 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 नहीं, तुम कानों का हिलना, फिर घुटनों का कांपना और फिर पलकों का झपकना के बारे में सोच रही हो। ये वाला कानों का हिलना, पलकों का झपकना और फिर घुटनों का कांपना वाला था। मतलब था दरवाजों से सावधान। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा क्योंकि तुम इसे समझ नहीं पा रही। अब जब तुम्हें अगली सरसराहट महसूस होगी तो हर तरह की साइंटिफिक जानकारी मिल जाएगी। ओकी डोकी लोकी। कुछ महसूस हुआ? नोपी डोपी। अब कुछ हुआ? रुको रुको, मुझे तुम मजाक कर रही हो। पूरा दिन सरसराहट आने के बाद अब जब हमें उसकी जरूरत है तो कुछ भी नहीं हो रहा। इसमें मेरा काबू नहीं है, वो अपनी मर्जी से आती ये है। तो कोई बात नहीं हुई। कभी कभी आपको कुछ चीजों में बस यकीन करना होता है भले वो आपकी समझ में ना आए। मैं ऐसी किसी चीज पर यकीन नहीं कर सकती जिसे मैं समझ ना सकूं। रुको रुको जरा, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। ओह माय गॉड, क्या ये क्या है? ये मेरा पेट है, इसका मतलब है मुझे भूख लगी है। चलो कुछ खाते हैं। एक काम करो, चलो जाने दो। मुझे नहीं पता करना कि ये सच है या नहीं, मुझे नहीं समझाना इसे, मुझे कोई परवाह भी नहीं। ओकी डोकी लोकी। पिंकी, क्या तुमने ट्वाइलाइट को कहीं देखा? हाँ। ट्वाइलाइट, तो भी आप पीछे क्या कर रही हो? क्या ये तुम्हारा प्लान था? कैसा प्लान? ये क्या मजाक है, ये नहीं हो सकता, ये कोई बात नहीं होती। मैं इसकी तह तक पहुँच कर ही दम लूंगी। सच में स्पाइक, तुम्हारे पास पोनीज को परेशान करने के अलावा और कोई काम नहीं? माफ करना, पर मैं तुम भी तो वही कर रही हो, है ना? मैं साइंटिफिक रिसर्च कर रही हूँ। मैं पिंकी पाई पर नजर रख रही हूँ। साइंटिफिक नेम पिंकी इज पायस, जो अपने प्राकृतिक आवास में पिंकी इज क्या इकस। मुझे इस पूरे सरसराहट भविष्यवाणी वाली चीज पर शक है और मैं इसकी तह तक पहुंचना चाहती हूँ, इसलिए चलो। पिंकी स्पायस जा रही है। नाक में खुजली। हाँ, इसका कोई मतलब नहीं। देखो वो ऐसे छिप रही है जैसे आसमान से कुछ गिरने वाला है, लेकिन हिलती पूंछ का मतलब होता है आसमान से कुछ गिरने वाला है, ना कि नाक में खुजली। इससे साबित होता है, ये शायद प्रमाणित होता है। स्पाइक, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें साइंटिफिक जानने समझाने की। वो अब क्या कर रही है?
वो बस एक फूल को सूंघ रही है। ओ नहीं, पता नहीं इसका क्या मतलब होगा। शायद इसका मतलब फूल की खुशबू अच्छी है। रुको, कुछ हो रहा है। कानों का हिलना, पलकों का चपकना, घुटनों का कांपना। रुको, तुमने कहा था ये कॉम्बो है जिसका मतलब है दरवाजे से सावधान। तुम्हें उस पर पूरा यकीन है ना स्पाइक? अब देखो, मैं बताती हूँ, यहाँ डरने वाली कोई बात नहीं। मैं वादा करती हूँ यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जिससे कि तुम्हें। तुम मेरा एप्पल्स रखने का तहखाना देखने आई हो? तुम कितनी अच्छी हो। ट्वाई, तुम ठीक हो? ट्वाई, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ओके, देखते हैं। हेल्दी पूंछ। हेल्दी पूंछ? हेल्दी पूंछ! स्पाइक, पिंकी को पता नहीं लगना चाहिए कि हम यहाँ हैं, समझे? कुछ गिरने वाला है, कुछ गिरने वाला है। जान बचा कर भागो। ओह स्पाइक, सच में ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। खाने में रखने के लिए आपस जमा कर रही हूँ। तुम क्या कर रही हो? मैं टॉयलेट को छुपकर अपना पीछा करने दे रही हूँ, मुझे पता लगे बिना। तुम्हारा मतलब तुम्हें पता था? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम ही ना, इससे तो सीक्रेट खराब हो जाता ना। क्या तुम्हारी पूछ अभी हिल रही है? सब बंद हो गया। जहाँ तक मेरा ख्याल है अब इसके आगे आसमान साफ रहने वाला है। ओ नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? पता नहीं, ये पहले कभी नहीं हुआ। पर ये सरसराहट जिसके लिए भी थी कुछ अलग ही थी। कुछ ऐसा होने वाला है जो कभी नहीं सोचा होगा। और ये होने वाला है फ्रॉगी बॉटम के दलदल में। फ्लटरशाय उसी तरफ गई है। ओ नहीं, क्या ये उसके बारे में है? मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती। हमें जाकर देखना चाहिए वो ठीक है या नहीं। शांत हो जाओ, अब तक हमें बस इतना ही पता है कि पिंकी पाई को किसी तरह की सरसराहट हुई है, बस इतना ही। मुझे तो लगा तुम्हें इस सब पर यकीन नहीं है। नहीं है, मैं बस वहाँ चलकर पिंकी का चेहरा देखना चाहती हूँ जब उसे पता चलेगा कि सब कुछ ठीक है। ओकी डोकी। जैकेट चाहिए? नहीं शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। तो फ्लटरशाय को क्या हुआ होगा? उम्मीद है कुछ नहीं। जानता हूँ, पर तुम्हें क्या लगता है? अच्छा है कि मैं उसके बारे में ना सोचूं। मैं भी, पर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। जैसे कि अगर वो धमाके से उड़ गई। धमाके से उड़ गई हो, बिना किसी वजह के? हाँ, बस बूम। वाह, जानता हूँ। क्या होगा अगर उसके पेट में धमाका हुआ और उसके बाद फिर एक और धमाका हुआ तो? सच में कैसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर वो दो बार लगातार धमाके से उड़ गई तो? अब तुम दोनों बस भी करोगे? वो ठीक होगी, मुझे पूरा यकीन है। उम्मीद है तुम सही हो ट्वाइलाइट, फ्लटरशाय के लिए। देखो, वो रहा फॉगी बॉटम तालाब। माफ करना, मैं जानती हूँ अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं, पर मैंने कहा था ना चिंता करने की कोई बात नहीं, और मैं सही थी। पिंकी पाई ने कहा था उसे जो सरसराहट हो रही है वो बहुत अजीब है, और इस बार जो सबसे अजीब बात है वो ये कि मैं बिल्कुल सही हूँ। ट्वाइलाइट, पिंकी ने आज बहुत भविष्यवाणियाँ की है, पर ये बदबू कैसी है? और यहाँ जो हमने देखा उससे साबित होता है कि ऐसी किसी चीज में यकीन करना जिसे आप समझ नहीं सकते वो बेवकूफी है। मैं तो तुम्हारे पीछे क्या? मैं देख रही हूँ पर मुझे यकीन नहीं है। क्या ये एक हाइड्रा है? क्या फर्क पड़ता है? भागो!
हाइड्रा को चूहे में बदल सकती हो? नहीं। एक गिलहरी? नहीं। तो फिर मैं उसे छोटा एनिमल नहीं बना सकती। ये तो बुरा हुआ। भागो, उछलो और कूदो। वो पास आ गया है, मैं उसका ध्यान बताती हूँ। तुम दोनों जाओ अभी। ओह, ऐसे में रेनबो डैश जैसी बहादुर पोनी क्या करेगी? कैसे हुआ? इत्तेफाक, किस्मत या फिर कुछ और? तुमने कहा था कि फॉगी बॉटम में कुछ अजीब होने वाला है और हमारे साथ वो कुछ अजीब हो ही गया। मेरा मतलब वो हाइड्रा। पिंकी, ये वो नहीं था। हाँ? कौन क्या नहीं था? ये तुम क्या कर रही हो पिंकी पाई? वो नहीं था जो हमारे साथ होने वाला था। मुझे अभी भी सनसनाहट हो रही है। देखा, ये फिर से शुरू हो गई। फ्रॉगी बॉटम पे जो अजीब बात होनी थी, मेरी पिंकी सेंस कहती है कि वो अभी तक नहीं हुई है। हाँ, पर मैं क्या? हाइड्रा वो अजीब चीज नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? हाइड्रा से ज्यादा अजीब बात और क्या हो सकती है? पता नहीं, पर वो ये नहीं था। मैं हार मानती हूँ। हार मानती हो, लेकिन किससे? इस लड़ाई से, खुद से। अब मैं और नहीं लड़ सकती। मुझे नहीं पता कब, कैसे, क्या, पर पिंकी सेंस में कुछ तो बात है। मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है, पर ये काम करता है। सिर्फ इसलिए कि मुझे ये समझ नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि ये सच नहीं। तुम्हारा मतलब तुम्हें यकीन है? हाँ, मेरे ख्याल से मुझे है। प्रिंसेस सेलेस्टिया, मुझे आपको रिपोर्ट करते हुए खुशी हो रही है कि स्पाइक, मैंने तुमसे उस वक्त ध्यान लगाने के बारे में क्या कहा था? मैं जानता हूँ, पर well, क्या बात है स्पाइक? तुम्हें कभी नहीं लगा था कि तुम मुझे एक छतरी वाली टोपी में देखोगे? कभी नहीं, सच में। पिंकी की पूंछ हिल रही है, मैं और क्या कर सकती हूँ? मुझे ये रिपोर्ट करते हुए खुशी हो रही है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि इस दुनिया में कई ऐसी चीजें भी हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सच नहीं है। इसका मतलब बस ये है कि आपको उनमें यकीन करना होगा। हॉंक हॉंक, आपकी फेथफुल स्टूडेंट ट्वाइलाइट स्पार्कल। फिर से हुआ? पता नहीं इस पर आसमान से क्या गिरने वाला है। कुछ भी हो सकता है। हाँ।
प्रिंसेस सेलेस्टिया। मुझे यकीन नहीं होता